Hello everyone. Now in this video we will study about the evaporation and factors affecting evaporation. In the previous video we have studied about the latent heat and all, which is a part of this chapter only. Now proceeding with the chapter, we are going to study with our next topics also. सो बेसिकली अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इवेपोरेशन की. तो इवेपोरेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को होगी. यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस आल्सो के व्हाट इज़ इवेपोरेशन. सो बेसिकली यू हैव स्टडीड अबाउट कि जब आप लोगों ने साइकिल पढ़ी होगी, ठीक है, तो साइकिल में बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल की बात कर रही हूँ, ठीक है. वाटर साइकिल में बेसिकली आपने पढ़ा होगा ना कि बारिश होती है, फिर वो पानी इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर वो बादल बनता है कंडेंस्ड फॉर्म में, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन होता है नीचे, वो फिर लिक्विड फॉर्म आता है. दैट इज़ कॉल्ड एज कि वो प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है. और फिर वो पानी इकट्ठा हो जाता है हमारे लेक्स और रिवर्स में, फिर वो फिर वो धूप पड़ती है उसके ऊपर, फिर वो इवेपोरेट होना शुरू होता है, ठीक है. सो बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी. सो हियर व्हाट वी विल स्टडी कि वी नो के अभी तक हम लोग जो बॉइलिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, बॉइलिंग अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी. तो बॉइलिंग क्या था कि बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में चेंज होता है, ठीक है, बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है. और हम लोगों ने ये भी कहा था कि लिक्विड से गैस में चेंज होने को बॉइलिंग भी बोलते हैं और वेपराइजेशन भी बोलते हैं ना, ठीक है. तो बॉइलिंग में क्या है कि एक चीज़ होती थी कि एक बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी होता था, ठीक, लिक्विड से गैस में के लिए एक बॉइलिंग पॉइंट का होना ज़रूरी है. साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ होती थी कि बल्क फिनोमिना होता था, ठीक है, बल्क फिनोमिना होता था ना कि कहीं से भी कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ करके चले जाते थे. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक हो. अगर मान लीजिए ये आपका पानी है तो इस ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपके बीच में भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कहीं से कोई भी मॉलिक्यूल्स, चाहे नीचे का हो, चाहे ऊपर का हो, चाहे सरफेस का हो, वो कभी भी उड़ करके या वेपर फॉर्म में जा सकता है, ठीक है. ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था. तो बेसिकली अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड से गैसेस का फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है. लिक्विड से गैसेस में चेंज होना वेपराइजेशन ही कहलाता है. बट इसमें थोड़ा सा चेंज है. अगर हम बॉइलिंग से बात करें तो लिक्विड बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए किसी भी टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है. वो किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वो इवेपोरेट हो सकता है. और सबसे बड़ी बात कि उसमें बल्क फिनोमिना की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें हमें सरफेस फिनोमिना की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. इसमें क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता ही है, ठीक. अब सरफेस फिनोमिना क्या होता है या एट एनी टेम्परेचर क्या है, इसे समझाते हैं हम. क्या होता है, मान लीजिए कि एक आपकी रिवर है या लेक है, ठीक है, रिवर है या लेक है, कुछ भी है, ठीक है, या आप लोग पानी ही देख लीजिए, कभी कभार रख दीजिए, ठीक है, बाहर में. इस समय तो अगर गर्मी का सीज़न है तो बाहर रख दीजिए, या कभी कभार ठंडियों के सीज़न में भी, ठंडियों की बात में करेंगे, बट गर्मियों के सीज़न की स्पेशली बात कर लेते हैं. आप बाहर रख दीजिए तो आप देखते होंगे कि पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना. जैसे कि अगर गर्मियों की बात करें तो हमारे जो रिवर्स और लेक्स हैं, मान लीजिए रिवर है हमारी, ठीक है, रिवर्स हैं, और वो धीरे धीरे पानी यहाँ था, धीरे धीरे पानी वो इतना हो गया, कम हो गया, ठीक है. सो फिर क्या होता, क्या है कि ये इसको कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं की जाती है इवेपोरेशन में. ये आसपास से जो हीट मिल रही है इनको एटमॉस्फेयर से, ठीक है, जो प्रेशर पड़ रहा है, जो या सनलाइट जो है नहीं, वो सनलाइट आपका एटमॉस्फेयर में ही तो आ गया, एनवायरनमेंट में ही आ गया. तो वहाँ से जो हीट मिल रही है या आसपास की चीज़ों से या जो हवाएं चल रही हैं गर्म, ठीक है, उनसे, तो उन सब चीज़ से ये इवेपोरेट होते हैं, ठीक है. तो इनका क्या होता है, ये हमेशा सरफेस फिनोमिना क्या होता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बल्क फिनोमिना, कहीं से भी वो उड़ करके वेपर बन जाते थे, लेकिन सरफेस फिनोमिना में क्या होता है इवेपोरेशन में कि ये केवल सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स उड़ करके ऊपर जाएंगे और वेपर बनेंगे, ठीक है. फिर जब ये, क्योंकि आसपास के
एनवायरनमेंट से, आसपास के हवाओं से, आसपास की चीज़ों से जो भी मौजूद हैं, जो इसको हेल्प कर रही हैं कि इसके इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर के सरफेस के, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हो, ठीक है, ब्रेक डाउन करके पहले ऊपर वाला सरफेस वेपर होगा, फिर जब ये वेपराइजेशन हो जाएगा इसका, फिर इसके नीचे वाला जो होगा, इसके नीचे वाला जो सरफेस होगा, फिर इसकी बारी आएगी, फिर इसको ये गर्म होगा आसपास के हवाओं से या एटमॉस्फेयर से, ठीक है, फिर इसके बाद इसके सरफेसेस ऊपर उड़ करके जाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वेपराइजेशन। इसमें भी आसपास की चीज़ों से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक, ये ब्रेक डाउन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जो लिक्विड होता है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिक्विड को इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है कि यहाँ से आप ले सकते हैं, लिक्विड स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सर्फेस हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फिनोमिना या आप ये भी लिख सकते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड, यहाँ से भी लिख सकते हैं द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई ज़रूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट आए, बॉइलिंग पॉइंट से कम में भी वेपर हो जाते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट आना कोई ज़रूरी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट से कम में भी जब वो इवेपोरेट हो जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेपराइजेशन। तो बहुत अच्छी यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ओके, अब यहाँ पे कुछ इवेपोरेशन के फैक्टर्स बताए गए हैं ना कि किस चीज़ों पर हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जिसे हम लोग को जानना है इस चैप्टर में। तो पहली बात तो यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। अब इसका एक एग्जांपल दें तो कैसे, अगर मान लीजिए कि कभी स्वेटिंग हो जाती है ना, कभी कभी किसी को स्वेटिंग हो जाती है, या आप स्वेटिंग की बात हटाइए, आप अपने हाथों पे पानी डालिए और पंखा चला दीजिए, ठीक है, आप देखेंगे कुछ देर बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा वो पानी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो उड़ जा रहा है लेकिन हमने तो उसको हीट नहीं प्रोवाइड की, तो वो कैसे उड़ गया, तो आसपास के एटमॉस्फेयर से। अब वो क्या करेगा ना कि हमारे उसको क्या है कि मॉलिक्यूल्स ब्रेक करना है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक होना है, उसको हीट की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, आपके जो हाथ का सरफेस रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, हमारी बॉडी गर्म रहती है, तो वो आपकी बॉडी से टेम्परेचर लेगा, ठीक है, आपकी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगा और मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स को अपने ब्रेक डाउन करेगा और वो हमें फिर वो उतनी दूर ठंडा ठंडा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठीक है, तो उतनी दूर हमें ठंडा ठंडा लगता है और वो इवेपोरेट होकर के हमारे हाथों के सरफेस से उड़ करके चला जाता है। और यही कंसेप्ट हमारा स्वेटिंग के लिए भी काम आता है, यही कंसेप्ट हमारा स्वेटिंग में भी चलता है कि जब स्वेटिंग होती है और हवा चलती है तो हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि हमारे बॉडी से अंदर से वो हीट ले रहा है और जो स्वेटिंग हुई है उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ताकि आसपास के जो एयर है या आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो उससे वो इवेपोरेट होकर के वो उड़ जा रहा है, ठीक है, हीट ले रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहा है, उसको मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स उड़ करके चले जा रहे हैं और वो हमें कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठीक है, द सेम प्रोसेस। तो कूलिंग हमारा इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग का इफेक्ट देता है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए कि क्या होता है बेसिकली, जैसा कि जो यहाँ पर अभी एक्टिविटी बताई गई है, इस सब का ये आंसर्स यहाँ पे लिख करके बताए गए हैं, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं कि आप लोगों को क्या है, आप लोगों का फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो आप एक बार जब एक्टिविटी को पढ़ लेंगे तो आप, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए हैं और आंसर्स यहाँ पे लिखा है, तो बेसिकली हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें है क्या, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहली बात, पहला जो है कि हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब स्पीड इंक्रीज़ करती है, ठीक है,
जब उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। अब सरफेस एरिया, अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अब बस इतना दिया है, मतलब कि हेडिंग हो गई एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन आपका बढ़ता है, ठीक है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका क्या इवेपोरेशन क्या करेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, मतलब कि इवेपोरेशन की स्पीड और बढ़ जाएगी, ठीक। अब ये कैसे होता है, अब इसका एग्जांपल बहुत ही छोटा सा लेते हैं। आप अगर घर में चाय पीते होंगे तो अगर आप किसी ग्लास में चाय लीजिए तो उसको ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि पहले ऊपर का सरफेस ठंडा होगा, फिर नीचे का सरफेस ठंडा होगा, फिर धीरे धीरे करके वो ग्लास चाय, जो चाय की जो ग्लास रहेगी वो ठंडी होगी। लेकिन इसी जगह पे जिसको बहुत जल्दी रहती है उसको देखिए कभी कभार वो लोग प्लेट में लेकर के पीने लगते हैं, ठीक है। तो उस अगर आप उसी चाय को अगर आप प्लेट में ले लीजिए तो प्लेट में काफ़ी जल्दी ठंडी होगी, क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। अभी तक वो इतनी छोटी सी ग्लास में थी, ठीक है, और वो अब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो अब उस ऊपर का जो सरफेस रहेगा पहले ठंडा होता है, तो वो आसपास के एटमॉस्फेयर से जल्दी ठंडा होगा, इसका मतलब चाय तुरंत ठंडी हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से हम कपड़े का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि कपड़ों को भी जल्दी ठंडा, सॉरी जल्दी को हम सुखा सकते हैं। अब अगर आप ऐसे ही कपड़े अगर धूप में डाल दीजिए छत पे, तो आप क्या करेंगे, वो जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन आप उसे आराम से फैला के डालेंगे, उसका एक हाथ इधर, अगर शर्ट की बारी है तो एक हाथ उधर, फिर बढ़िया से उसको सुखा के मतलब फैला के डालेंगे, तो इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होगा। लेकिन अगर इकट्ठा एक जगह करके रख देंगे तो एक पहले पहला सरफेस ठंडा होगा, सॉरी पहला सरफेस आपका सूखेगा, फिर धीरे धीरे सेकंड सरफेस सूखेगा, फिर धीरे धीरे थर्ड सरफेस सूखेगा, तो ऐसे है। तो आप जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी इवेपोरेशन होगा, तो ये समझ में आए, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है कि इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तब भी आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज़ करेगा। अब ये कैसे हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इंक्रीज़ किया, जैसे मान लीजिए कि अगर इस समय अगर बात की जाए गर्मियों की, ठीक है, अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको हीट मिल रही होती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब कि वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं, ठीक है। काफ़ी जल्दी जब काम करने लग जाते हैं तो वो जल्दी वेपर में बदल जाते हैं। अब आप अगर गर्मियों की बात करें, गर्मियों में अगर कपड़े डालते हैं तो काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ठंडियों में वही आप कपड़े डालेंगे तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं सूखने में, ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारा टेम्परेचर रहता है बहुत ही लो रहता है, लेकिन जब गर्मियों की बात करें तो हमारा टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। इट मीन्स कि हीट ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर हमारा तो हमारे कपड़े ज़्यादा जल्दी सूखते हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होने लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है और वो जल्दी वेपराइज होकर के उड़ जाते हैं। तो ये भी हुआ कि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, इफ़ ह्यूमिडिटी अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो आपका रहेगा वो डिक्रीज करेगा। अब ये क्या होता है ह्यूमिडिटी, तो पहले आप ये जान लीजिए, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जो हमारी नमी होती है ना उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब अगर गर्मियों की बात करें तो नमी बहुत कम होती है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसी कंपैरिजन में अगर रेनी सीज़न की बात की जाए, ठीक है, रेनी सीज़न की अगर हम बात करें या ठंडियों की बात करें, तो उस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि धूप नहीं निकल रही होती, धूप एकदम सही नहीं होती है, ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में नमी ज़्यादा होती है ना, तो उससे क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए कपड़े सुखाएंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे एयर में, ठीक है, तो अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए तो बताया गया ना कि अभी ठंडी में ज़्यादा जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं,
ठीक। अब वैसे गर्मियों में रहता है तो हीट पड़ती रहती है, जल्दी इवेपरेट होकर के जल्दी उड़ जाती, क्योंकि क्योंकि ह्यूमिडिटी भी नहीं रहती है, वाटर वेपर बिल्कुल भी नहीं रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, रहता है बहुत ही कम अमाउंट में रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लेता है, ठीक है, जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन ह्यूमिड जब पानी बरस रहा रहेगा या फिर अगर ऑलरेडी विंटर सीजन रहेगा तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वाटर वेपर्स हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं कि उनको और ज़्यादा वाटर वेपर की ज़रूरत नहीं रहती है, या वो बहुत धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो जो हम अपने कपड़े वगैरह डालते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं सूखने में, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। अब साथ ही बात बता देते हैं कि विंड स्पीड की, ठीक है। विंड स्पीड में क्या है कि अगर हम अपने अगर हम हवा जो चलती है ना, विंड इस जो हवा चलती है, अगर वो ज़्यादा तेज है, ठीक है, मान लीजिए खूब लू चल रही है, गर्मियों का मौसम है, खूब तेज लू चल रही है, ठीक। तो अगर विंड की स्पीड हाई रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हाई होगा। अब ये कैसे, आप जैसे मान लीजिए खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं तो आप देखेंगे कि आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, जल्दी से। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी जल्दी इवेपोरेट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही वो जैसे कि अभी बात की गई थी कि इवेपोरेशन से इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग की जब बात की गई थी कि वो हीट नीचे से लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं जब विंड की, तो विंड क्या करता है कि हमारे कपड़ों को जल्दी सुखा देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब जब हवा तेज़ रहती है ना तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर वेपर्स के, बहुत जल्दी जल्दी उड़ करके हवा के साथ चले जाते हैं। कहते नहीं कि हवा के साथ ही वो भी वाटर वेपर्स उड़ करके चले जाते हैं, ठीक है। तो जितना तेज़ हवा रहेगी उतने जल्दी वाटर वेपर्स उड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। कभी कभार आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि अगर बहुत तेज़ आंधी चल रही है और आप छत पे हो तो और कपड़ा आपने अभी अभी डाला हो तो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स पानी के आपके मुंह पे या हाथ पे आएंगे, ठीक है। कभी आप लोगों ने महसूस किया हो तो होता है ऐसा, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स जा रहे थे और आप वहाँ पे खड़े थे तो आपको महसूस हो गया, अदरवाइज़ वो पार्टिकल्स उड़ करके अपना जा रहे थे, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। तो वो कहाँ से पानी आ रहा था, वो आपके कपड़ों से आ रहा था, तो इसका मतलब है हवाएं जो हैं वो पानी को, वाटर वेपर्स को जो आपके कपड़ों में है वो उड़ा करके ले जा रही है और आपके कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारा विंड की स्पीड हाई होगी तो क्या होगा, आपका जो इवेपोरेशन रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो भी हाई होगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि क्या है इवेपोरेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बताना था स्पेशली। नाउ द लास्ट टॉपिक विल लेफ्ट इन दिस चैप्टर, दैट विल बी कि देयर आर सम एग्जांपल्स के कॉटन के कपड़े गर्मियों में लोग ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है, और मटकों का पानी ठंडा होता है, या ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इट इन आर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। अभी तक आप इतना ही इस वीडियो में आप इतना देख लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑन दैट। ओके, थैंक यू।